पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यही औकाफ का माल है क्या? जो 50,000 रुपया का भाड़ा लिए एक घंटे में, तो ऐसी पूरी प्रॉपर्टी अलमीन कॉलेज से जितना बोला ये एनक्रोचमेंट हुआ, डी नोटिफिकेशन हुआ, इसकी तमीज आप लोगों को नहीं है क्या? इनका घोटाला है 50 लाख का, और इनको बेंगलुरु नॉर्थ और साउथ का वक्फ ऑफिसर बना है। आजिया, तंजीम, तायरा, ये तमाम लोगों के ऊपर घोटाले थे। ये घोटालों को क्या किया? इनको सस्पेंड किया, इनको जेल में डाला, इनको पब्लिक के सामने लाया। अच्छी बात है कि वक्फ बोर्ड के स्टाफ ने, वक्फ बोर्ड के अफसरों ने और वक्फ बोर्ड के मेंबरों ने मिलकर ये कसम खाई है कि अब न रिश्वत लेंगे और न रिश्वत देंगे। हाँ, अभी रिसेंटली कल परसों मैं भी सोशल मीडिया में हिंदुस्तान भर फिरते हुए एक बहुत बड़ा उनका वादा करते हुए देखे, इसमें बहुत से बड़े ऑफिसर्स वक्फ बोर्ड के पूरे तमाम थे, उनके लिए मेरे तरफ से मुबारकबाद है। और मेरी बात क्या है, वादा करना मुसलमान के इदारे में, वक्फ के इदारे में, औकाफ के इदारे में वादा निभाना है। वादा नहीं निभाई तो मुनाफिक होते हैं। ये कसम नहीं निभाई, कसम अल्लाह के माल को, अल्लाह का जो हिफाजत में है वो माल के हिफाजत में वादा नहीं निभाए तो मुनाफिक होने से हमें मुसलमान रोकना है इनको। तो जब कसम खाए वक्फ बोर्ड में, अभी हमें ना रिश्वत लेंगे ना देंगे। तो मेरी गुजारिश यह है, कोई अभी एक ऑफिसर आया मन्नान बीजापुर में जो घोटाला था 15 लाख 50 लाख का घोटाला, करप्शन का घोटाला है 50 लाख का, और इनको बेंगलुरु नॉर्थ और साउथ का वक्फ ऑफिसर बनाए, और अकबर, कोई अकबर, फौजिया, राजिया, तंजीम, तायरा, ये तमाम लोगों के ऊपर घोटाले थे। ये घोटालों को क्या किया? अरे भाई, इनको सस्पेंड किया, इनको जेल में डाला, इनको पब्लिक के सामने लाया, इनको कोर्ट में छोड़ा, ये क्या किया? जिंदों को दफन कर दिया, और आप बोल रहा है अभी हम कसम खा लिया। तो कसम कहां खाया? जब कसम खाने के टाइम पे तुम्हारे जिंदे लोगों को दफन करा है, वक्फ बोर्ड में दफन किया है, तो ये लोगों को सजा क्यों नहीं दिया? सजा लेके देना है तुम्हें, तुम्हारी जिम्मेदारी होती है, सीईओ की जिम्मेदारी लगती है। ये जो सीईओ है, बना है, और जितने ऑफिसर्स हैं, जितने लोग खड़े हैं पूरा इज्जत से, ये लोगों की जिम्मेदारी होती है कि भाई ये लोगों को पहले सजाएं दो, ये लोगों को सस्पेंड कराओ, तुरंत पुलिस के हवाले करो, सरकार का सीबीआई इंक्वायरी डालो। और दूसरी बात, जो वक्फ बोर्ड के इदारों में हमारे सीएम इब्राहिम साहब के, कनिष्क फातिमा जी के सर्वे नंबर 12 आपने गुलबर्गा से, इकबाल अंसारी फार्मर मिनिस्टर जो है सर्वे नंबर 55 या 56 के नाम से, खालिद एक्स चेयरमैन साहब और उनका सर्वे नंबर 222 से, गयाजुद्दीन शरीफ, रहमान शरीफ, जाफर शरीफ साहब के पोत्रे, यन्या हारिस साहब, अलमीन कॉलेज, गोपालन सिनेमा, विंसर मैनर होटल, रंका ग्रुप, करिश्मा बिल्डर्स, जिसमें अपना ये विंसर मैनर और करिश्मा में जो रहमान खान है, रोशन बेग, और जो इनकी, इनके ऊपर मेरा लोकायुक्ता में केस चल रहा है, अलमीन एजुकेशनल ट्रस्ट, मेडिकल ट्रस्ट, ये तमाम, और बीदर की प्रॉपर्टी, ये तमाम चीज तो है ना, ये तमाम चीज का जो 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ का माल है, ये माल के ऊपर क्या किए? ये माल वापिस लिए क्या? वापिस लेने का कसम खाए क्या? ये पूरा 5 लाख करोड़ रुपया खा लिया, अभी बोला हमें ये लोग, हम कसम खा गए, हम कुछ देगा नहीं, कुछ लेगा नहीं। आपको वापिस लेने की तमीज नहीं है, आपको वापिस लेने का कानून पता नहीं है। ये माल तो अपना अल्लाह का माल है, गरीबों का माल अल्लाह के कब्जे में है, वो कब्जे की हिफाजत आप कर रहे हैं। तुम्हारा समझो, अभी कब्जा क्या होता है, अभी गुलिस्तान शादी माल है, 35,000 से 50,000 रुपए तक इनकम लेते हैं गुलिस्तान में, और ये पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यही औकाफ का माल है क्या? जो 50,000 रुपया का भाड़ा लिए एक घंटे में, तो
तो ऐसी पूरी प्रॉपर्टी अलमीन कॉलेज से जितना बोला ये एनक्रोचमेंट हुआ, डीनोटिफिकेशन हुआ, इसकी तमीज आप लोगों को नहीं है क्या? आपको कानून पता नहीं है क्या? तो क्या कसम खाए? तो मुनाफिक कौन होंगे? हर मुसलमान की जिम्मेदारी होती है ये लोग मुनाफिक होते हुए रोकना, हमारा हक बनता है ये लोगों को मुनाफिक से रोकना। अभी कसम खा गए, बंद कर दिए जिंदे, अब लोगों को दफन कर दिए, अल्लाह का माल डाल के दफन कर दिए तुम्हें लोग। सब आप वक्फ बोर्ड के चंद अफसरों पर, चंद स्टाफ पर जो है इल्जाम आयद कर रहे हैं, किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं आप क्यों कह रहे हैं कि उनके खिलाफ घोटाले हैं, चार्जेस हैं, किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं? हर चीज के ऊपर घोटाले, कंप्लेनेंट्स, कई सौ कंप्लेंट्स दिए हैं। सीईओ की ड्यूटी बनती है, चेयरमैन की ड्यूटी बनती है, मेंबर्स की ड्यूटी बनती है, माइनॉरिटी कमीशन की ड्यूटी बनती है, ये लोगों को जेल करो नहीं तो तुम्हें इदारे बंद करो। ये तकरीबन 1-2 लाख करोड़ तुम्हारे निगाह के बाहर नहीं है क्या? तुम्हारे निगाह के बाहर है क्या? ये तमाम घोटाला वक्त का माल, तुम्हें कस्टोडियन बने, सरकार कस्टोडियन बना है, तुम्हें कस्टोडियन बने हैं, तो ये चीज का लाखों के करोड़ का माल है, तुम्हें क्या कर रहे हैं? आलम पाशा साहब, किस बुनियाद पर आप इल्जाम लगा रहे हैं इनके खिलाफ? कंप्लेंट्स हैं या इनके खिलाफ शिकायतें हैं या इनके खिलाफ घोटाले के इल्जाम? ये जितना बोला हूँ, जितना बोला हूँ मैं अभी, ये पूरा लोकायुक्ता में मेरा खुद कंप्लेंट है। ये लोग चाहिए, ये सरकार चाहिए, ये बोर्ड चाहिए, ये सीईओ चाहिए, गवर्नमेंट को बोले कि भाई सीबीआई हवाले करो। आपने जिनका नाम लिया, क्या वो कंप्लेंट में मौजूद है? मेरे लोकायुक्ता के कंप्लेंट में तमाम मौजूद है, पूरे जो चल रहा है। अभी इनको सरकार से मिलना है परमिशन, सरकार के परमिशन को सीईओ जो क्या अभी परवेज खान है, उनका क्या ड्यूटी निभाया, क्या काम किया, इनके आगे पेपर पड़ा है, सरकार इनके आगे है, तो क्या शपथ लिया तुम्हें, क्या काम किया, कितने दिन रहेंगे तुम्हें? और ये तमाम की चीज सीबीआई के साथ, मैं जितना बोला, जितने 2-4-5 लोग को सीबीआई के हवाले करके ये माल, गरीबों का औकाफ का माल वापस क्यों नहीं लिया? वो ड्यूटी तुम्हारी होती है, शपथ खाने का मतलब क्या है? क्या किस चीज के ऊपर शपथ खा रहे हैं? क्या बोल रहा है? अरे भाई तुम्हें क्लीन है, हमें रिश्वत नहीं लेंगे। तुम्हारे को कौन बोला नहीं लेंगे? तुम्हारे ऊपर किसको डाउट नहीं है? अच्छा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? ये दोनों ठीक है। अभी जितना जिंदा आदमी को मुर्दा बना के तुम दफन किया, उसको निकालो, ये बोलो ही निकाल दिया, इसके बाद कुछ भी नहीं है, कुछ घोटाला नहीं है, इसके बाद हमारा शपथ चलेगा, हमें शपथ खाएगा, यही शपथ सही रहेगा, नहीं तो ये तमाम चीज इसी टाइम पे जैसा ये किया मुनाफिकी में जमता है, मुनाफिकी का काम है। तो ये तमाम चीज के ऊपर फौरन ये लोगों को जेल में डालना, ये जेलों की वर्दी बनाना, सरकार के सामने देना, नहीं तो अपना काम रिजाइन करना, वक्फ बोर्ड बंद करना, चलाने वालों को देना, गरीबों का माल गरीबों के हवाले करना।